फॉक्सी बाहर आओ, चलो फुटबॉल खेलते हैं। चलो खेलते हैं। आज मैं तुम दोनों को मैदान में हरा के दिखाऊंगा। नहीं, आज नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? सॉरी, लेकिन आज हमें पेंटिंग करनी है। अंकल फैक्स ने हमें सारा सामान भी दिया। ओह नहीं, तो क्या मुझे आज अकेले ही फुटबॉल खेलना पड़ेगा? तुम बुजदिल लोग। हम पहले क्या पेंट करें? दोस्तों लूपो, और ये आई बॉल। ओह बहुत अच्छे फिक्स। अब चलो भी दोस्तों, ये फुटबॉल खेलने का वक्त है। नहीं बिल्कुल नहीं, हमें पेंटिंग करनी है। हे फिक्स देखो, शायद हम इसकी पेंटिंग कर सकते हैं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ओ लूपो, हमारी रास्ते से हट जाओ। और इस शॉट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहीं और जाके खेलो, जाओ। ठीक है फिक्स, ये तुमने अच्छा कहा। चलो सब मिलके मैदान में चलते हैं। चलो। हाँ, आखिर हमें शांति मिल गई। ओ नहीं, वो देखो क्या है। चलो, मुझे नहीं लगता तुम मुझे हरा पाओगे। चलो, यही तो जवाब है। चलो करते हैं। हाँ, चलो, चलो। उठ जाओ दोस्तों, तुम ऐसे मैदान में आके नहीं बैठ सकते। चलो। ओ चली भी जाओ लूपो। लूपो कहीं नजर नहीं आ रहा, शायद वो बाकी जानवरों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। शेर के पिंजरे में शायद, वहाँ उसे काफी मजा आएगा। और ये लूपो ने बॉल उछाला, अपने दाहिने पैर से किक मारा और ये गोल 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 गोल। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे तुम्हें मजाक भी समझ नहीं आता? छोड़ दो छोड़ दो मुझे, तुम बड़े बंदर, छोड़ दो। मुझे लगता है कि ये गोरिल्ला फुटबॉल में चैंपियन है। और ये उन्होंने मारा एक बेहतरीन शॉट। और ये उछला लूपो यहाँ से वहाँ। मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन टीम है। तुम्हारा क्या ख्याल है फॉक्सी? मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल जीतने वाली टीम है। लगता है कि अब गोरिल्ला गोल करने वाला है। क्या तुम अपना सर थोड़ा सा घुमा सकते हो प्लीज? रुको, मैं मदद करता हूँ। अरे वाह, बिल्कुल ठीक। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या अब तुम्हें खेलना है लूपो? मजाक उड़ाना बंद कर दो। लूपिनी का दूसरा निशाना ठिकाने पर। एक और निशाना और जेट पावर पोगो स्टिक तुम्हारी होगी लूपिनी। अरे नहीं, बचाओ। अगली बार सही निशाना लगाना बच्चों। क्या
स्नैप। मुझे लगता है कि ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। चलो। ऐसा लगता है कि ये हमें किसी राइड पे ले जाना चाहता है। हाँ ल्यूपिनी, ये तो बिल्कुल भूत बंगला लगता है। हाँ फॉक्सी, मैं इससे नहीं डरने वाली हूँ। हम वैसे भी अंदर नहीं जा सकते, ये बंद है। चलो बचाओ। फिंच, फॉक्सी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ल्यूपिनी सही है, हमें ये करना होगा। चलो। तुम दोनों लड़के तो डरपोक हो। ऊपर देखो। और डरो मत, ये तो कोई बदमाश लगता है। मैं यहाँ का मालिक हूँ, समझे बच्चो? तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें शेर के हवाले कर दूँ। बात नहीं है दोस्तों। हाँ, मुझे लगता है कि वो आदमी कुछ छुपा रहा था। हाँ, हम अगर पीछे के रास्ते से जाएं तो फिक्स और फॉक्सी? बिल्कुल सही। लगभग पहुँच गया। अगली बार से तुम कूदना फॉक्सी। हम पहुँचने ही वाले हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि पीछे का रास्ता ही सही है। ये तो अच्छी बात है ना दोस्तों। हाँ, कम से कम ये फ्री की राइड मिल रही है। अरे वो देखो, फिंच फॉक्सी, कुछ सोचो। तुम सोचो, आखिर तुम हमें इस मुसीबत में ले आई हो। मिल गया। ओह नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो दोस्तों, ये हम निकले बाहर। हम पहुंच गए। तो चलो दोस्तों, क्या हम तैयार हैं? तुम मुझ पे कितने भी जुल्म करो, लेकिन मैं उस खजाने का रास्ता तुम्हें नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे मार डालो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम अपना शिप चलाने के लायक नहीं रहोगे। बिल्कुल नहीं। कौन है ये बदतमीज? उठ जाओ, कौन है? तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो पॉली। तुम सच में बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझ जैसे अजनबी की तुमने मदद की। हमें खुशी है, हम काम आए सर। वक्त आ गया है कि अब मैं अपने छुपाए हुए खजाने की तरफ बढूं। अलविदा। अलविदा। अरे नहीं, आपका बक्सा तो पीछे छूट गया। वो तुम्हारे लिए है, चलता हूँ। अलविदा। अलविदा दोस्तों। अरे वाह, वो क्या है ल्यूपिनी? 3 जेट पावर्ड पोगो स्टिक्स। अरे वाह, ये बात। ये क्या है यहाँ पर? ओह, कल तो ये तंबू यहाँ नहीं लगे थे। मिस्टर ग्रैंड वजीर, क्या ये बात सच है कि तंदूरी के सुल्तान इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं? ओह, हाँ ये सच है, और अगर ये सच नहीं भी होता तो भी ये सच है। तो उनकी बेटी को अपने लिए एक अच्छा सा पति ढूंढने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? ओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तंदूरी की राजकुमारी के काफी अलग विचार है। उनका राजकुमार खूबसूरत होना चाहिए, होशियार और दिलदार भी होना चाहिए।
अरे वाह, मतलब राजकुमारी मुझ जैसा ही राजकुमार चाहती है। सुनने में आया है कि होने वाले राजकुमार को काफी तोहफे मिलेंगे। राजकुमारी से शादी करने पर राजकुमार को उसके वजन के सोने और जवाहरात मिलेंगे। ओह, इतने पैसे मिलने पर मैं जिंदगी भर पिज्जा खा सकता हूँ डबल चीज के साथ। कमाल कर दिया। उड़ते हुए गाने की तरकीब अच्छी होगी। उम्मीद है कि मुझे अपना राजकुमार जल्दी मिल जाएगा जी। जरूर मिलेगा राजकुमारी, जरूर मिलेगा। मैंने हर जगह उसे ढूंढा है लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तुम्हारा राजकुमार जल्दी तुम्हारे पास आएगा, तुम यहीं रुको। क्या मुझे लगता है तुम ही तंदूरी की राजकुमारी हो। राजकुमार, क्या तुम शादी के लिए मेरा हाथ मांगने आए हो? हाँ, मैं वैसे ही सोच रहा था, लेकिन मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। मुआ, 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 ओ, इतने हैंडसम और रोमांटिक नौजवान को मैं ना कैसे कह सकती हूँ। रुको रुको रुको। तुम्हें बाद में मिलूंगी जीनी। चलो हमारी शादी के बाद ये सारी जमीन तुम्हारी होगी। मेरे राजकुमार, मुझे बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं उसे पूरा करूंगी। वैसे इस वक्त मुझे भूख लगी है। चीनी, आपने बुलाया राजकुमारी? मेरा राजकुमार भूखा है, हमें अभी के अभी लाजवाब खाना चाहिए। तो क्या होगा मेरे लिए, आइसक्रीम चेरीज और चॉकलेट के साथ या मशरूम और वेजिटेबल सूप? ये रहा आपका खाना। चावल मुझे नहीं पसंद। माय गॉड, क्यों, क्या कोई तकलीफ है? ये नियम है कि तंदूरी के राजकुमार को सिर्फ चावल ही खाना पड़ेगा। अगर तुमने चावल नहीं खाए तो हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। मैं ये कर सकता हूँ पैसों के लिए, नहीं प्यार के लिए। बहुत अच्छे, हमें घर ले जाओ जी। हाँ, और थोड़ा जल्दी करना। जैसा आप कहे। मुझे लगता है हमारी शादी के बाद इस बूढ़े जीनी का भी कुछ करना होगा, क्या कहती हो? ऐसा तुम ही सोचते हो। ओह मेरी राजकुमारी, अब क्या है डार्लिंग लूपो? अगर मैं तुम्हें किस करूं तो कैसा रहेगा? नहीं, शादी से पहले दुल्हन का चेहरा देखना अच्छा नहीं होता। ओह चलो, मुआ मुआ मुआ। कोई बदमाशी मत करना। देखना अच्छा नहीं होता, और वो कितना अच्छा राजकुमार लग रहा था। इससे ये साबित होता है राजकुमारी कि हमें किसी के बाहरी दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। चलो पिप-पैप, शॉपिंग खत्म हो गई। नहीं मामा, हमें आइसक्रीम चाहिए। प्लीज मामा, प्लीज। लेकिन पैसे खत्म हो गए हैं। नहीं मामा, हमें आइसक्रीम चाहिए। बच्चों, हमें आइसक्रीम चाहिए। हाँ, हमें आइसक्रीम खानी है। माफ करना मामा, हमने आपका सारा सामान गिरा दिया। मुझसे बात मत करो। इन पैसों से तुम्हें आइसक्रीम तब मिलेगी जब तुम्हारा बर्ताव अच्छा होगा। मैं इतनी देर नहीं रुक सकता मैडम।
पीछे मत भागो, वो हमारे पीछे भागते हैं। तुम नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। हम कभी नहीं करते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे प्यारे बच्चों को रुला दिया। तुम दोनों ट्विंस ने मेरे बच्चों को मार ही दिया था। भगवान ही जाने उनकी माँ कहाँ है। बिल्कुल उनके पीछे। देखो बेब, वो रहा लकी। लकी! उस चोर ने मामा का पर्स चुराया। चलो हमारी मदद करो। ये लो, अभी आया। मेरी मामा को कोई परेशान नहीं कर सकता। ओ, अब ये कहाँ से आ गया? क्या मैं तुम्हें एक मुलायम गद्दा नजर आता हूँ? वैसे तुम काफी मुलायम हो। ओ, हमारे पास वक्त नहीं है पिप। ओ लकी, क्या तुमने ट्विंस को देखा? ओ मत पूछो मामा। हो सके तो पकड़ लो मुझे। वो अपने आप को समझता क्या है? हम तुम्हें पकड़ के ही रहेंगे। रुक जाओ। फिर से आ गए। वापस कर दो। ओह डियर, ओह माय गॉड। मुझे नहीं लगता कि तुम लकी हो। चलता हूँ। अरे चलो जल्दी करो, वो भाग जाएगा। हम तुम्हारे पीछे ही है पेप पेप। ओह लगता है कोई बुरी तरह से लूट गया है। मामा, ये सब क्या चल रहा है? हम उस चोर का पीछा कर रहे हैं जिसने मेरा पर्स चुराया है। चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। इससे क्या तो मुझे डर लगता है। ओ डियर, उस चोर को पकड़ने का कोई बेहतर तरीका तो होगा ही। तुम लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे लगता है हमें हार मान लेनी चाहिए। हमने लगभग उसे पकड़ ही लिया था। ये तो घास में से सुई ढूंढ निकालने जैसा है। मतलब जैसे भूल भुलैया में से चोर को पकड़ना। मैं वहाँ ऊपर जाती हूँ उसे पकड़ने के लिए। तुम सब लोग वहाँ जाओ। पापा आप लेफ्ट जाइए, लकी तुम राइट, पिप पैप तुम उसका पीछा करो वहाँ से। हाँ बिल्कुल वहाँ से उसका पीछा करो। अरे भागो जल्दी वहाँ से। नहीं नहीं, अरे वहाँ से, अरे यहाँ से, अरे नहीं, अरे चलो फिर से कोशिश करते हैं। ओ नहीं, वो चोर बस भागने ही वाला है। अब रुक भी जाओ। आखिर हमने कर ही दिखाया। इसका श्रेय तो मामा को जाता है, लेकिन वो है कहाँ? इससे पहले कि वो हुक को पकड़े उसे पकड़ लो। Oh!
पैरों को। सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ सही कहती थी, जुर्म कभी नहीं जीतता, और तुम जैसे खिलाड़ी हो तो कभी नहीं। इतनी जल्दी कहाँ चले, अभी तो अपनी माँ की बात मान लो। अरे वाह, इससे तो पूरे साल भर की आइसक्रीम आ जाएगी। मेरे ख्याल से एक ही दिन की आइसक्रीम काफी होगी। हम सबके दोस्त हैं और हम सब हैं दोस्त। मैं तेरा दोस्त हूँ जानता हूँ, तू मेरा दोस्त है जानता हूँ। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो। मैं तेरा दोस्त हूँ जानता हूँ, तू मेरा दोस्त है जानता हूँ। हम सबके दोस्त हैं और हम सब हैं। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं।